अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं गैलेक्सी वॉच ए के एस 4 46 mm। सो ये बॉक्स है बेसिकली, ये इस पैकिंग में या इस बॉक्स में आपको मिलता है। इसके रिव्यूज़ यहाँ बताए गए हैं, लॉन्ग बैटरी लाइफ, ऑटो फिटनेस, 39+ वर्कआउट एक्टिविटीज़ और वाटर रेजिस्टेंट भी है ये। तो इसका कम्प्लीट हम आपको रिव्यू देंगे 4 to 5 month यूजेज के बाद ऑलमोस्ट। तो अब बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट मिलती है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें पहले हमारा मेन प्रोडक्ट नज़र आ जाता है, उसे हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद जब हम निकालते हैं तो हमें यहाँ पे दो पोर्शंस देखने को मिलते हैं, एक ये पोर्शन है और एक ये। पहले इसमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसमें आपको प्रोडक्ट का आई थिंक सो चार्जर, सही है, इसमें आपको चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि इस स्टाइल में आता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन में हमें ये केबल अडाप्टर और केबल मिल जाता है हमें इसके साथ, इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद इसमें हमें कुछ गाइड और वारंटी कार्ड। सो बॉक्स को कंप्लीट अनबॉक्स करने के बाद इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। बेसिकली ये ब्लूटूथ वर्जन है और इसके साथ ये जो चार्जर है ये वायरलेसली चार्जिंग के लिए है। इसके दो वर्जन्स आते हैं, एक LTE वर्जन होता है और एक ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ वर्जन है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। प्रोडक्ट इस तरह आपको बॉक्स में मिलता है, ये इस बैंड के साथ आता है, रिस्ट बैंड के साथ। दो साइज़ में आता है, एक ये बड़े साइज़ में और एक छोटा साइज़। चलें इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं इसके रिव्यूज़ और सारी चीज़ों के बारे में। तो अब बेसिकली मैं जो इसके यूज़र हैं उन्हीं को वो कहना चाहूँगा कि वो इसके जो उनके 4 month का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट, उसको शेयर करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनको क्या बेनिफिट्स इससे मिल रहे हैं इस वक्त और वो यूज़ कर रहे हैं इसको। हाँ, इसके साथ साथ मैं इसकी प्राइस मेंशन करता चलूँ तो ये आपको कंप्लीट बॉक्स पैक जो है 35,000 की मिल जाएगी रिटेल प्राइस पर, किसी भी आप मार्केट से ले सकते हैं। डिफरेंस आ सकता है आपके एरिया के हिसाब से। यहाँ कराची में हमें सदर मार्केट से ये 35,000 की कॉस्ट की है। अच्छा जी, तो इसके फीचर्स में ख़ास बात तो जो है, इसका एक तो वाटर रेजिस्टेंट है और इसका ऑटो फिटनेस ट्रैकर है, कि ये नहीं कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपको पहले उसका ऑन करना है, ये ज़रूरी नहीं है। ये ऑटो डिटेक्ट करती है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। अगर आप रनिंग कर रहे हैं और आप रनिंग की इसकी ऐप करना भूल गए तो इसकी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पहले रनिंग को ऑन करें। तो बेसिकली इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है। आप स्लाइड करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आते हैं अपने गैजेट्स, इसमें आप ऑर्डर रीऑर्डर कर सकते हैं। मैंने जिस हिसाब से यहाँ पर रखा हुआ है, पहले स्लाइड पे, क्लॉक के स्लाइड पे, ये हार्ट बीट रेट है, सही है। इसमें अगर आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है तो ये आपको ऑटो अलार्मिंग भी देता है। सेकंड इसमें आता है स्ट्रेस आपका, कि ये आप स्ट्रेस कितना आपको अगर हाई होगा तो ये इस हिसाब से। अभी इसके पीछे मैंने जरा सी बात है, कोई रिस्क नहीं है तो ये किसी को जो चीज़ सेंस नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है, अगर जैसे ही ये रिस्क पे से हटेगा ये दोबारा पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने रिस्क पे से उतारी, कहीं रखी, कहीं जाने के वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो ये दोबारा आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। आप दोबारा पहनेंगे, एक दफ़ा उस पर वो डालेंगे पासवर्ड, तो ये ऑटो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद इसमें नॉर्मल कैलेंडर आ जाता है। इसके बाद आप कॉन्टैक्ट्स, अगर आप फ़ोन से सिंक करेंगे तो कॉन्टैक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मिनी फीचर्स इसमें सारे डायरेक्ट हैं। ये इसके ऑल मेन्यू है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है, आपको एक तो स्वाइप व्यू भी है और दूसरी बात अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इसमें आप बेजल जो है इसके आप रोटेट कर सकते हैं, तो ये आपको हर ऑप्शन में जाने देगी। ये बैक का होता है बटन, ये डायरेक्ट मेन मेन्यू में आने का है। ये सारे फिटनेस का एक साथ आ जाता है, एक व्यू, मल्टीपल व्यू हैं। ये वेदर है, ये इसका सब एक साथ मिलके इसमें, यानी आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई हैं, आपने कितने मिनट इसमें आपका वॉकिंग हुई है, आपकी वो हुई है और कितने टाइम तक आप एक्टिव रहे हैं वो। ये वर्कआउट की इसमें, अब जैसे कि नॉर्मल उसमें है, मैंने रनिंग पे रखी हुई, आप चाहें कुछ भी रख सकते हैं, वैसे इसमें ऑटो भी है। अब वर्कआउट पे आप जाते हैं तो इसमें ये देख लें, लाइट जॉगिंग है, साइकिलिंग पे आ जाता है,
ये वॉकिंग आ जाता है बेसिक वर्कआउट आपका, रनिंग, हाइकिंग, स्विमिंग पूल क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है, आप नीचे भी जाके इसको पहन सकते हैं पानी में, स्विमिंग पूल आउटडोर आ जाता है, ट्रेडमिल है, बाइक एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है इसमें। अच्छा, और एक ये खासकर इसमें अभी ये है एक फीचर, ये इसका नॉर्मल इसका आ जाता है आपके पास नोटिफिकेशन बार आ जाता है एक, ये इसमें स्लाइड ही आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी स्टैंडर्ड अलोन है क्योंकि ये किसी चीज़ से भी कनेक्टेड नहीं है, या स्टैंड अलोन भी आप इसको पहन सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब जैसे कि मैं इसको कनेक्ट करूँगा सैमसंग के साथ, इसमें एक ऐप आती है सैमसंग गैलेक्सी वेरेबल, ये हर एंड्रॉयड के साथ ऐप आपको डाउनलोड हो जाएगी, सैमसंग में गैलेक्सी वेरेबल होती है, या आप इसको ऑन करेंगे कनेक्ट करके, ये ब्लूटूथ वर्जन है क्योंकि ब्लूटूथ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, जैसे कि देख चुके हैं इसमें कनेक्टेड हो चुकी है, और ये लेटेस्ट अपडेट की आपको सब कुछ एप्लीकेशन में आएगी, ठीक है। और इसमें सब चीज़ें आप वही जो सेटिंग्स आपकी हैं वो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, कोई इसका इश्यू, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे वॉच फेसेस हैं, वॉच फेसेस बहुत सारे हैं, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सैमसंग के अपने गैलेक्सी वॉच के स्पेशलिस्ट हैं, बाकी अगर आपको डाउनलोड करने हैं उसका भी कोई वो नहीं है, आप सिंपली जाएँ डिस्कवर में जाएं, ये बहुत सारे ऑप्शंस थर्ड पार्टी अंडर आर्मर के भी इसमें आ रहे हैं आजकल, नाइकी वगैरह सब सब स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसमें फ्री भी हैं, पेड वर्जन्स भी हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो ये तो आ गई इसकी एप्लीकेशंस की बात। अब जैसे विडजेट्स का मैंने आपको बताया था जो सब रीऑर्डर में, इसमें भी यहाँ से भी कर सकते हैं आप, इसमें आप बहुत से और भी हैं जो आप ऐड यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, सब इजी है, कोई इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं आएगी। बाकी इसके साथ का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको साथ शेयर करूं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत। एक तो इसकी बैटरी टाइमिंग भी ऐसी है कि अगर आप इसको स्टैंड अलोन या फिर ब्लूटूथ से खाली कनेक्ट करें इसमें, तो आपको तकरीबन पूरा पूरा आपको 24 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है विथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यानी ये अगर ये वेस्ट पे रहेगी तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आ जाएगी, इस तरह अगर मैं उसको यूं करूँगा तो ये वेक हो जाएगी, इसका डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा, सारे फीचर्स इसके ऑन हो जाएंगे, बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे ये आपको पूरा एक दिन का बैकअप देती है विदाउट चार्ज। चार्ज करने का भी बहुत इजी है, वायरलेस चार्जर है, आप इसको सिंपली यूं रखें, और इसके साथ वायरलेस मैग्नेटिक है, कोई इशू नहीं है कि पिन इसमें है नहीं है, कोई वो नहीं आता। और इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो रिप्लेसमेंट ब्रांड्स हैं, अब जैसे कि आपकी जो ये वॉच है ये आपको, आप जब लेते हैं तो आपको हर वक्त पहननी अगर आप चाहते हैं, और ये हर पे आपके अपेरल पे अच्छी नहीं लगती आपको खाली ये ब्लैक, तो इसमें आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं मार्केट में, जैसे कि मैंने ये रखे हैं, दो ऐसी बात है मैं अभी 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ख़ासकर लेदर का शौकीन हूँ, तो लेदर में इसे मैंने ब्राउन, कहीं फॉर्मल उस पे कैजुअल ओकेशन पे ब्लैक, सब के लिए रखा हुआ है मैंने। इसका एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, इसमें वैसे तो फीचर्स बहुत हैं, एक्सपीरियंस अगर मैं इसका देखा जाए तो इसकी एक तो कनेक्टिविटी का बहुत स्ट्रांग रहती है, कॉल आती है तो उस पर भी नोटिफिकेशन कॉल आप डायरेक्ट इससे भी पिक कर सकते हैं, इसके साथ आप कोई ब्लूटूथ अगर आपके पास हेडफोन्स वगैरह हैं या एयरबड्स हैं सैमसंग के बड्स होते हैं उससे कनेक्ट करें, तीनों का पेयर आपका अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छी आपको इजी रहती है हर चीज़ में, यह है कि बहुत आपके साथ कंपैटिबल रहती है। ओके, थैंक यू, ओवर टू यू। सो आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें हमने यही चाह के सब फीचर्स और इसकी सारी चीज़ें कवर कर सकें, बहुत फीचर अभी रहते हैं इसके। तो काफ़ी फीचर्स हैं इसमें बेसिकली, और बहुत फीचर्स हैं, जब आप लेंगे तो इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी ये इंटरेस्टिंग लगेगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।